पहले जो मैं ले लेती हूँ, एक यहाँ एक हल्का सा मानसी आपको दिखा देती है कुछ कैंडल्स, ताकि थोड़ा आपको पता चल जाए। राइट फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बिल्कुल घर की चीजों के साथ अपने काम करने वाले हैं, ताकि जब भी हम काम करते हैं, कई बार हमें लगता है हमारे पास ये नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते, और हमारी क्लास इसीलिए फेमस होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके चलिए, तो सबसे पहले ये जो मेरे पास है कुछ, ये है हमारे रंगोली के कलर, जो कि आजकल दिवाली पे आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ठीक, तो ये आपने लेने हैं, जो भी कलर आप डालना चाहते हैं अपनी पसंद से आप लोग डाल सकते हैं। आप लोग बीच बीच में कुछ भी पूछना चाहें, मानसी आपको देख पाएगी तो मानसी आपको जरूर रिप्लाई करेगी। इस तरह की बहुत सारी हमारी जो वीडियोस होते हैं वो आप YouTube पे या मेरे Facebook पेज पे, जो दोनों ही AK आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के नाम से हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब दिवाली तक हम लोग बहुत जल्दी जल्दी आने वाले हैं, ताकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। आज थोड़ा यहाँ टाइम का हमारा रहेगा, इसलिए बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके साथ कर पाए। ये सैंड्स मिल जाती है 100%। आजकल तो आप कोई भी दिवाली मार्केट में जाओगे, वहां आपको नीचे बैठा हुआ एक इंसान दिखाई देगा जिसके पास छलनी होगी और बहुत सारे कलर्स होंगे, राइट? तो बस वही कलर है, ये और कुछ भी नहीं है, रंगोली कलर। मैं सिंपल डालती जा रही हूं, अभी जिसमें करना है वो मैं अभी आपको दिखाती हूं। ओके, ये सिंपल मेरे रंगोली के कलर आ गए। पहले हमें प्लान था कि कुछ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दूं और आपको कुछ बताऊं अपने बारे में, लेकिन लगा पहले थोड़ा सा काम करते हैं ताकि लोगों को पता चलता जाएगा। ये सिंपल आपकी टूथपिक। ओके, आपने अपने ग्लास को पकड़ना है। आप देखो, मैंने बस ऐसे ही रेंडमली डाला था और ये कितना खूबसूरत आया, लेकिन अब हमें जो करना है वो क्या करना है, एक टूथपिक लीजिए, बिल्कुल वॉल के साथ, अंदर की तरफ से ग्लास की वॉल के साथ आप इस तरह से जाइए, अगेन वापस, दिख रहा है आपको? ओके, अगेन, ये रहा, दिखाई दे रहे मैं बिल्कुल। तो ये आपका रेडी हो गया। अब बात आई कि सज तो गए लेकिन हमारी कैंडल कहाँ है। ओके, अब ये हमारे घर में यूज आने वाला कद्दूकस, राइट? आप कोई भी घर की पुरानी कैंडल लो, कोई भी, किसी भी कलर की। ओके, उसको आपने इसके साथ, मैंने थोड़ा सा ग्रेट करके रखा ताकि हमारे पास टाइम बच जाए, ये रहा। तो कोई भी कैंडल, जैसे मान सी के देना बेटा, मैं जरा सी करती हूँ ताकि मेरी कैंडल खराब ना हो। ये वाला जैसे मैंने लिया, और आपको कुछ नहीं करना, तो पुरानी कैंडल जो आप अब जलाना नहीं चाहते, देखने में अच्छी नहीं लग रही है, उसको खत्म करना है, देन आप उसको ऐसे ग्रेट कर लो, हो गया। उसके बाद जो ये आपका था, इसके ऊपर आप इसको अच्छे से डाल दोगे। ये आपका रेडी है। अब इसके बाद अगर आपके पास, मन से देखना, मैंने बेटा यहाँ रख लिया, राइट, ये विक आपको रेडी मिल जाएगी बाजार में। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, क्योंकि अभी हम किचन में नहीं है, आप कोई भी मोटा थ्रेड ले लीजिए और उसको, कोई भी कैंडल आपकी है तो कढ़ाई में मेल्ट करिए और उसके अंदर उस थ्रेड को डिप कर दीजिए,
और डिप करने के बाद उसको उसके अंदर से थ्रेड को निकालोगे, वह ऐसे हार्ड हो जाता है। बस आपकी कैंडल विक रेडी है। ओके, अब इसके अंदर आप इसको रख दीजिए, थोड़ा सा फिर से चारों तरफ से डाल दीजिए। आप इसको 10 बार, जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, मानसी मैच बॉक्स है ना, हाँ ये, तो जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा तो आपकी फिर से आप उसको फिल कर सकते हो अपने चूड़े के साथ। यू कैन चेंज द कलर एनी टाइम, राइट। आई होप कि फर्स्ट कैंडल आपकी रेडी है और बहुत ही इंस्टेंट है, तो कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी। कोई भी गेस्ट आ रहा है आप तुरंत काम कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं भी है, सैंड नहीं है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कलर के जो आपके पास वैक्सोन के कलर आते हैं बच्चों के क्रेयॉन्स, उसको आप कद्दूकस कर दो, उसके साथ इस तरह के लेयर्स बना लो, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने एक बनाई थी यहीं पे, शायद थी कहीं, वो ग्लास था सुंदर सा सजा। अच्छा, कोई नहीं, मेल्ट हो गया। ओके, ये देखिए, ठीक है। तो ये पूरी वैक्स ही वैक्स है, तो ये देखो ये अंदर तक जलती रहती है, मैंने काफी देर पहले जला दी थी एक्चुअली। ठीक, चलिए, तो एक हमारा ये हो गया, अब हम दूसरे की बात करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ग्लास लेके आप ये पानी ले लीजिए। पहले एक थोड़ा सा, ये मेरे पास जो है ये है मार्बल का चूरा, ठीक है, जो मार्बल का चूरा बाजार में मिल जाता है कई जगह। अगर आपको नहीं भी मिलता, आप कोई भी चीज ले सकते हो, आप घर में पड़ा हुआ कोई छोटा सा शो पीस ले सकते हो जो पानी में खराब ना हो बस, ठीक है। इसके ना वो आएगी रोशनी शायद आएगी, अगर सबने देख लिया तो मैं उसको कर देती हूँ। अच्छा, अरे ओके, चलिए। तो मैंने, मेरे पास ये मार्बल का चूरा है, अगर आपके पास नहीं है, आप कोई भी, जैसे मेरे पास ये शंख और सिक्पी थोड़ी सी रखी थी, ठीक, वो है, नहीं तो कोई भी शो पीस है जो पानी में डालने से आपका खराब ना हो, आर्टिफिशियल पर्ल हो, कोई जो कलरफुल सारे स्टोन्स आते हैं आप वो ले सकते हो, कुछ भी चीज जो सुंदर लगे, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा मैंने चूरा डाला, और अगर ये चूरा ऐसी चीज है कि आपको नहीं मिलेगा तो मैं ज्यादा यूज नहीं करती, नहीं तो लगेगा आपकी कैसे बनेगी। ये मैंने, ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे आराम से। ओके, अब मैं ले रही हूं सिंपल पानी, मानसी ब्लू कलर देगा ना चीज से। आपके पास कोई भी वाटर कलर है, चाहे केक कलर है, बच्चों का वाटर कलर है, या ये इस तरह से कोई भी आपके पास कलर्स है, मन से ब्रश देना बेटा, बस कोई भी कलर लीजिए। इतना समय बस टच कर रही हूं और मेरे पानी के अंदर इस तरह से। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना डार्क बनाना है, क्योंकि मेरा सिपी का था इसलिए मैंने इसमें ब्लू कलर लिया। आप चाहो तो आप बिल्कुल प्लेन वाटर ले सकते हो, डिपेंड करेगा आप कैसा चाहते हो, क्या बना रहे हो, ठीक है। बस इससे डार्क नहीं लेंगे कभी भी। अगर हम कोई चीज अंदर डाल रहे हैं तो हम हमेशा लाइट कलर रखते हैं ताकि वो मेरी अंदर की चीज खूबसूरत दिखाई दे, क्लियर। तो चलिए, अब मेरे को चाहिए ये, आप लोग सभी जानते होंगे, ये है मेरी OHP शीट जो कंप्यूटर वगैरह में बहुत काम आती है, ट्रांसपेरेंट शीट है, कुछ खास नहीं है। अगर 1% आपको ना मिले, मानसी पानी वाला ग्लास है ना बेटा, हाँ, अगर आपको ना मिले तो इस तरह के बहुत सारे प्लास्टिक हमारे घर में आते रहते हैं ना, आप उसको नीचे से काट लो तो वो सर्कल आपके पास आ जाएगा। समझाने का मतलब ये, अगर एक चीज जो मैं बता रही हूं बहुत ही कॉमन सी चीज है, अगर आपको ना मिले तो उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा आपको। तो मैंने ये लिया, जो भी मेरा ये टॉप का है साइज, मैंने उसको ग्लास को पहले से ड्रॉ करके रखा और सीजर, हाँ, उसमें मैंने कट करके रखा हुआ। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको कट कर दूंगी। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि वो ग्लास के अंदर आए, उससे बाहर ना जाए, बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये मेरा रेडी है। इसको सिर्फ फोल्ड करके मेरे को बीच में से एक होल करना है।
ये कैंडल वो है कि अगर आपके पास वैक्स नहीं है, अगर आपके पास जेल नहीं है, तो भी ऐसा नहीं है कि आप कैंडल नहीं बनाएंगे, आपकी कैंडल बन जाएगी। तो ये प्लास्टिक के कोई भी आपके पास जो है वो हो गया। अब मेरे को मेन क्या चाहिए, ये हमारे घर में यूज होने वाला नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, बस यूज किया हुआ मत लीजिएगा, ठीक है, फ्रेश रिफाइंड ऑयल हो बस। ऑयल पानी के अंदर जाएगा ही नहीं, आप जितना भी डालोगे वो पानी के ऊपर रहेगा, राइट। बस अगर आपके घर में अचानक गेस्ट आ रहे हैं या दिवाली की रात को आप जलाना चाहते हो, सबसे अच्छी बात यह कि जब तक आप चाहते हो इस तरह के आप 100 बार चेंज कर सकते हो। आपने ऊपर रिफाइंड ऑयल डाला, जितनी देर वो ऑयल है वो जलता रहेगा, उसके बाद जब वो बुझ भी गया, आपने सब चीजें निकाली, साफ करी, कोई चीज खराब होने वाली नहीं है, जब मन करेगा आप फिर से बना लोगे, है ना। और ये थ्रेड मैंने अभी आपको दिखाया था जैसे बनाना है, ओके, ये मैंने इसके अंदर से निकाला, ये देखो अब ये चीज सिखा रही थी, है ना, ये इससे थोड़ा बड़ा है ना, तो बस मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा और करना है, चलिए। और अब आप इसको भी जला सकते हैं, और जब आपका मन करेगा आप इसको खत्म हो जाएगा, आप फिर से डाल सकते हैं तेल, आप फिर से जला सकते हैं। तो हमारी सेकंड कैंडल भी रेडी है।